मैं सुबह सुबह आया दुकान पे और प्रिंट निकाल रहे थे, इसमें एप्सन L3110 में, इस वाली में तो दिक्कत क्या आ रही है भाई, इसमें आ रही है लाइन कुछ इस तरह से। ये देखिए, एक प्रिंट कर रहा था तो सोचा कि चलो यही ले लूँ, तो लाइनिंग आ रही है, इसको करेंगे सही। देखिए ये है अपने पास प्रिंटर एप्सन का L3110, इसमें आ रही है लाइनिंग। एक पेज और निकाल के देखेंगे, ये ऐसी आ रही है जैसे इसमें आ रही है ना, पीली पीली सी इस तरह से कार्टेज में आ रही है दिक्कत। क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग से सही हो जाती है तो ठीक है, वैसे हो जाती है सही। एक और निकाल के देखेंगे, यहाँ इसमें रख दिया हमने 500 की पत्ती। तो ये निकल के आ रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस है ना आती रहेगी चैनल पे, जितनी भी मशीन के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग दिक्कत जो भी है, ऑनलाइन जो भी काम होता है सब। तो ये देखिए लाइनिंग इसमें आ रही है अभी भी, देख रहे हो, ये तो आ गई ऐसी। करेंगे कैसे इसको सही, यहाँ जाएंगे हम अपने एक तो कंप्यूटर में, कंप्यूटर में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो उसके बाद करना ये अपना, ये करना है L3110 सीरीज़, ये रही ठीक है। उसके बाद करना है यहाँ पे मैनेज, मैनेज पे जाने के बाद अपन जाएंगे प्रिंटर प्रेफरेंस पे, उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बाद ये आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो एक एक करके कर सकते हो। सबसे पहले कर लेते हैं नोजल चेक, उसके बाद यहाँ से प्रिंट, प्रिंट में ये बेकार पेज रख देंगे। और यार शिट, तो कोई नहीं, मैं सोच रहा था ख़राब जो सही पेज है वो वेस्ट ना जाए, पर ये चला ही गया, कोई नहीं। तो नोज़ल चेक में देखिए कुछ इस तरह से आया है ठीक है। उसके बाद करेंगे यहाँ से क्लीन और फिर स्टार्ट, ये हो चुके यहाँ से स्टार्ट। कपड़ा मार लेते हैं, तो ये भी हो चुकी है फिनिश, यहाँ से करेंगे फिनिश। तो अब निकाल के देखें ये एक बार, कहाँ रखो इसको, नीचे रख देता हूँ ना, ऊपर रखता हूँ, ऊपर रख दिया, इसी पेज में आ जाएगा कलर प्रिंट। अभी लाइट ब्लिंक कर रही है तो मतलब एक प्रिंटर सेटअप हो रहा है। कलर हमारे पास ब्लैक वाला ख़त्म हो गया, ब्लैक डालना पड़ेगा इसमें, चलो वो भी डालेंगे। अभी ब्लिंक हो रही है तो अभी भी क्या ब्लिंक हो जा रही है, हो जा रही है, आवाज आ रही है। अभी रुको भाई, अब देते हैं कमांड, वो देखो कैसे करेगी। तो ये देखिए ये हो चुके हैं अपने, जो हमने की थी एक ही चीज़ से हो गई थी क्लीन। अब देखिए ये बिल्कुल से बढ़िया आ रहा है, और इसमें लाइनिंग थी जो पहले थी, बस एक ही चीज़ से हुई, नोजल चेक से ही सही हो गया था। उसके बाद भी ऑप्शन बहुत आते हैं, उसके बाद भी सारे ऑप्शन आते हैं, हेड क्लीनिंग, पावर क्लीनिंग। अगर आपका इससे ना हो तो हेड क्लीनिंग कर लेना, फिर चेक करना, फिर पावर क्लीनिंग, ऐसे कर करके चेक कर सकते हो। हमारा एक सही आ गया तो बढ़िया है, ये देखिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियोस डेली आती रहेगी। एंड प्रिंटर का अब तो क्या है, पुराना प्रिंटर हो चुका है, इसका अपग्रेड वर्जन आ चुका है, उसका अमेजोन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला है। घर के लिए काफ़ी बढ़िया इंकटेक प्रिंटर है, सस्ती कॉस्ट आएगी,
तो आप बाय कर सकते हो आसानी से। थैंक यू।